बलून खातून ठीक नहीं लग रही थी, शायद वो बीमार हो गई हैं। इंशाल्लाह जब वो सोएंगी तो बेहतर महसूस करेंगी। ज़ेरा खातून, कार्नेलिया बाजी, बाला खातून अब दोनों से मिलना चाहती हैं। सब खैर तो है तोरान? वो उनसे जल्द मिलना चाहती हैं। मैं और कुछ नहीं जानता आयगल खातून। तुम्हारी वजह से वो शैतान भाग गया यहां से। उसे पर काबू नहीं रह सका मैं। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? हाथों से निकलकर भाग गया हो तुम्हारे। उस शैतान को जिंदा छोड़ दिया तुमने? हाँ, क्यों? दफा हो जाओ यहां से। शहदार उनके साथ इवास साहब को कबीले लेकर जाओ। शहीदों की तदफीन का इंतजाम करो जाके। चलो जाओ। ठीक है हुजूर, जनाजे के साथ कबीले में दाखिल होंगे। यही शर्मिंदगी मेरे लिए काफी है। जनाब, इन पर हरमान का यकीन मोरे हैं, कोशिश के तीर हैं ये। शैतान का मंसूबा हमारे इत्तेहाद की वजह से अधूरा रह गया होगा। हर तरफ से वार कर रहा है शैतान। हर तरफ से वार कर रहा है। हारदार जड़ी बूटियां, जहरीले दरख्त का जहर, जहरीले जानवर का खून, गोया उन्होंने बहुत से जहरों को मिलाया है। शेख मोहतरम, शेख मोहतरम, बाला इन्हें होश क्यों नहीं आया अभी तक? शेख मोहतरम ठीक तो हैं? कॉर्नेलिया, तुम्हारे लाए हुए खाने से शेख को जहर दिया गया है। खवातीन, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कॉर्नेलिया? तुम्हारी लाई गई चीज में जहर कैसे होता है? पहले वो मारी और अब मेरे बाबा। मैंने कुछ नहीं किया बाला खातून, मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? तो जहर तुमने नहीं दिया है उन्हें? हाँ, जिसके करीब जाती है उसे जहर दे दिया जाता है। किसके कहने पे? आपने किसके कहने पे किया ये? बताओ मुझे कौन है? ये मैंने नहीं किया। मैंने तो खाने को हाथ भी नहीं लगाया था बाला खातून। तो क्या ये तुमने किया है जहरा? इनके लिए तुमने ही नहीं बनाया था क्या शोरबा? मैं ये कैसे कर सकती हूँ बाला खातून? मैंने सलजान अम्मा के साथ यखनी बनाई थी, लेकिन मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुमने नहीं किया, उसने नहीं किया, तो फिर आखिर किसका जुर्म है ये? हाँ, मेरे बाबा अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, ये तुमने नहीं किया तो आखिर किसने किया है? हाँ बाला खातून,
मेरी बात सुने, हम ये नहीं कह रहे कि आपकी बहनों ने किया, लेकिन दुश्मन मुख्तलिफ तरीकों से हमला कर रहा है ना ज़हरा खातून? कर दे लिया। क्या तुमने यखनी को कहीं अकेला छोड़ा था? नहीं, वो तो ज़हरा के पास ही था, उसे किसी ने हाथ नहीं लगाया। ज़हरा, तो फिर इसमें जहर किसने मिलाने की जरूरत की? जाओ यहाँ से, बाहर निकल जाओ और ये सोचो कि ये सब आखिर किसने करने की जरूरत की है। चली जाओ। बाला, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये कॉर्नेलिया ने किया है? ये वाहिद इंसान है जिस पर मुझे शक है आईगुल। और मारी, क्या उसको भी इसी ने मारा है? ये सब क्या हो रहा है आखिर? उस पर नजर रखने की जरूरत है हमें। ये जिन लोगों से मिलती है उन पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि हमें गद्दार को तलाश करना है। हम करेंगे, करेंगे हम बाला। कबीला मुश्किल सूरत हाल में है बाला खातून, हमें उस्मान साहब को खबर देनी होगी। तुम फिक्र ना करो, हम ढूंढ लेंगे। उस्मान किसी चीज के पीछे है। गुंदूस की कब्र कहां है निकोला? क्या कोसिस ने उसे जला डाला? क्या तुमने ऐसी कोई बात सुनी है? कोसिस को दिखावा करना पसंद है। उसूलन उसे अब तक उस्मान को गुंदूस का सर काट कर भेज देना चाहिए था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो मर गया। ठीक है, कोसिस ने खामोशी से इंतकाम लिया होगा, या शायद गुंदूस जिंदा हो और ये सब एक खेल हो। उस्मान, उस्ताद आरियोस, उसके बारे में मुझे कोई चीज हैरान नहीं करती, लेकिन एक दुश्मन जिसे वो देख नहीं सकता उसे बहुत ज्यादा उलझा के रखेगा। मैं आया निकोला, आज इस बात की कसम खाता हूं कि उस्मान ये जानने से बहुत पहले ही मर जाएगा कि आप कौन हैं। अंधेरा उस एहसान को हमेशा चुका देता है जो उसके नाम पर किया गया हो, समझे निकोला? और सबसे पहली बात यह है कि हमें उस्मान को इस बात का यकीन दिलाना होगा। आपके दिमाग में क्या चल रहा है उस्ताद? मैं मुर्दा को जिंदा करूंगा निकोला, मैं शेख अदाबाली को जिंदा रहने दूंगा, इससे बहुत फायदा होगा हमें। ये तीर कोसिस का हरगिज नहीं हो सकता। सिपाहियों, मारी खातून की मौत और गुंदूस भाई पे लगने वाली तोहमतें हमें कोसिस और तुरगुत साहब के मुखालिफ करने के लिए थी। वाजह है ये सब, और मेरे भाई को खत्म करना उनका मकसद है। जाहिर है कि उनकी नीयत घाइयों को कमजोर करना है बस, और उनकी फतुहात को रोकना है। जो कोई भी इस सब के पीछे है, इवाज साहब और उमर साहब को भी कत्ल करने वाला वही है। जनाब, क्या कुंदूस साहब क्या एक झूठ की वजह से मारे गए? कुंदूस भाई जिंदा है,
और वो कोसिस के कले में है, उनकी फिक्र मत कीजिए। शुक्र है अल्लाह का। हुजूर, तो फिर बताएं कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है, क्या लगता है आपको? जान जाएंगे जल्द बोरा, अभी अगर नहीं जानते कि इस खेल के पीछे कौन है तो वो वक्त दूर नहीं कि हम पता लगा लेंगे। बारकन और इब्राहिम फकी। सही कहा आपने, उन दोनों शैतानों ने ही ये मुसीबत खड़ी की है। आते ही उन दोनों की परेशानियां शुरू हो गई, मोहतात रहना होगा हर तरह से। भाई सुंगूर। जी जनाब। बारकन का तुम पीछा करोगे। सालतुक। हजूर। इब्राहिम फकी पर नजर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो अंधेरे में है, अगर तो क्या हुआ तुम फिर भी साए की तरह उनके साथ हो गए। जो हुक्म आपका हुजूर। जैसे आपका हुक्म। सिपाहियों, होशियार और मोहतात रहना होगा हर तरह से, वो मुसीबत का बायस बन सकते हैं और कई लोगों की वो जाने ले सकते हैं। हो सकता है कि वो झूठ का सहारा लेते रहेंगे, तो इसलिए जो देखो और सुनो हरगिज उस पर यकीन न करना, और मुझसे पूछे बगैर एक भी कदम कोई नहीं उठाएगा। जैसा आपका हुक्म जनाब। हम हरमान का आ जाएंगे यहां से। आ जाओ। तुर्कुत और कोसिस उस्मान के दोनों हाथ एक साथ काट देंगे। वो अकेला रह जाएगा, लेकिन अकेले भेड़िए भी खतरनाक होते हैं निकोला। मैं उसके दांत भी निकाल दूंगा, वो गरज भी नहीं सकेगा, लेकिन पहले उसे गुस्से में आकर कोसिस पर हमला करना होगा। कोसिस हमारे पास आएगा क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहता। मजीद ये कि आर्गोस और मेरे सिपाही पहले ही हरमन काया में मौजूद हैं। हम न सिर्फ कोसिस और तुर्गुत को उस्मान से दूर करेंगे बल्कि उन्हें अपने साथ मिला लेंगे। अभी नहीं, सबसे पहले हम उस्मान का इंतजार करेंगे कि वो कोसिस की तरफ कदम उठाए। मुझे जासूसों से खबर का इंतजार है। सिपाही हो, अगर इजाजत हो तो तदबीर। ये रहा वो सोना जो आपने मंगवाया था उस्ताद, लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि आपने क्यों मंगवाया। तुर्कों को गहरी तारीकी में गर्क करने के लिए निकोला। यह सोना बारकन को दिया जाएगा, वो बारकन जो अनकरीब केजल कबीले का सरदार बनेगा। बारकन उस्मान के साथ है, लेकिन वो हम में से है। वो तारीकी का जालिम तरीन जंगजू है, एक ऐसा जालिम जो तुर्कों का नाम मिटा देगा। यह सोना उसके मजबूत तरीन हथियारों में से एक होगा जो इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। Thank you.
रुको, कहां जा रहे हो तुम? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। जा सकते हो। चलिए उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया सैमुअल। किस तरफ से जाना होगा हमें? इस तरफ। इवास साहब शहीद हो गए। कोशिश, यह तीर तो हमारे तीरों में से, यह कहां से मिला आपको? उस शैतान के चेहरे से नकाब उतारने ही वाला था कि इससे सामना हुआ। वो दोनों तरफ से खुद को महफूज बनाना चाहते हैं। सबसे पहले वो आपके खिलाफ गए, अब कोशिश के साथ कर रहे हैं। ठीक कह रहे हो तुर्गुत भाई। इस हमले के बारे में पता चल पाया? मेरा मतलब कि कोई और सबूत? मारी को मारने वाला भी यही है, सौद को जलाने वाला भी यही है, इवास साहब की भी जान लेने वाला सब उसी का किया धरा है। लेकिन अब मैं उनके पीछे हूं जिन पर शुबा है मुझे। गुंदूज भाई कहां है? सैमुअल, कोशिश, मुझे अंदाजा है कि आपकी आंखें मुझसे यही सवाल कर रही हैं कि मेरे भाई के हाथ क्यों बंधे हुए। क्योंकि मेरी नजरों में ये मेरी बहन की मौत के जिम्मेदार है। भाईजान, मेरे भाई, जिम्मेदारी को आप बरकरार रख सकते हैं। बहुत मुद्दत से आप कबीले वापस नहीं गए। इस इल्जाम से निकलने के लिए ये भी मंजूर है। अब हमें क्या करना चाहिए उस्मान साहब? अब आपकी बारी है तुर्गुत भाई। कोशिश ने गुंदूज भाई को फंसाया और मुझ पर हमला करके साबित भी कर दिया कि ये मेरे खिलाफ था। ऐसे ही तुम भी मेरे खिलाफ रहोगे ताकि वो समझे कि हमारे रास्ते एक दूसरे से अलग है। इंशाल्लाह हम मकसद में कामयाब होंगे। फतह की जरूरत है। उन्होंने ये जाल फतह को रोकने के लिए बिछाए। हम उन्हें रोकेंगे ताकि हमें फतह हासिल हो। बेहतर जनाब, आप फिक्र ना करें। और ये सब होगा किस तरह से? आपकी और तुर्गुत साहब की वजह से। इन्हिसार का तकफूर निकोला का इत्तेहादी है, हम जानते हैं। और मशरिक का वाहिद सहारा जो होगा वो वहीं से आएगा। इन्हिसार बहुत अहम है, पहले उसे हासिल करेंगे और वो भी बगैर किसी जंगी तैयारी के। और फिर वहां से एनागोल की तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह।
अभी तक इलाज नहीं ढूंढ सके कुमराल अब्दाल? मैंने जो दवा दी वो काम नहीं कर रही। शेख की तबीयत आपके सामने है। ऐ अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। ऐ मेरे रब, तू हर किसी को शफा देता है, हमारी भी मदद कर, हमें अंधेरे में मत छोड़ मेरे अल्लाह, हमारी रहनुमाई फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बाला खातून, आकचा दरवेश ने मुझे बताया, ये अब कैसे? आखिर शेख अदाबाली को कौन मारना चाहता है? हम नहीं जानते इब्राहिम फकी। हमें अपने शेख को सिर्फ इस जहर के पंजों से बचाना है। इसके बाद इनका वक्त भी आएगा। ऐसा लगता है उन्होंने बहुत सारे जहरों की मिलावट की है। मेरी दवा भी असर नहीं कर रही। मुझे मालूम नहीं मुझे क्या करना चाहिए। मैं आ गई हूं कुमराल अब्दाल। आपने जो कहा था वो ले आई हूं। ये क्या है? नीली बूटी, और इसे अलांत कहते हैं। मैं इनको आजमाना चाहता हूं जनाब। आप जानते हैं कि इन्हें किस किस्म का जहर दिया गया है? हम नहीं जानते कि ये किसने किया है। देखें उस बर्तन में जहर है। जैसा कि आपने कहा कुमराल अब्दाल, ये काफी मौसर है। मैं इस किस्म के जहर के बारे में जानता हूं, लेकिन शायद यहां के लोग लाइल्म है इससे। मैंने इसे मशरिक में इस्तेमाल होते देखा। इसने खाने वालों को एक ही रात में मार डाला। ऐसा मत कहें इब्राहिम फकी, इसका कोई इलाज तो जरूर होगा। अल्लाह की मदद से हम इसे तलाश कर लेंगे। कुमराल अब्दाल, आपने अपनी पूरी कोशिश की, अब मुझे आजमाने दीजिए। आप मेरे बाबा की हिफाजत नहीं कर सके, ना ही मेरे चाचा की। क्या आप अपने वादे इस तरह निभाते हैं? ऐसा ना कहो सल्वी, ना कहो, इस तरह तकलीफ ना दो। मेरे दिल में दर्द है बारकन, मेरा कोई नहीं बचा। मेरे बाबा चले गए, वो मुझे छोड़ के चले गए बारकन। मैं तुम्हारे लिए हूं सल्वी, क्या तुम मुझे अपना खानदान नहीं मानती? आखिर मेरा क्या कसूर है? इवाज साहब, उमर साहब, उन्होंने अपना सफर क्यों शुरू किया? उस्मान उसकी वजह बना, उनकी हिफाजत नहीं कर सका। उस्मान अपने रास्तों को महफूज नहीं कर सका।
हमारा कसूर नहीं कि हम पर घात लगाकर हमला हुआ। सल्वी, उस्मान वो शख्स है जो अपने गद्दार भाई को नहीं पहचान सका, यहां मेरा क्या कसूर है? हम यहां क्यों आए हैं? क्या ये दर्द सहने के लिए? सल्वी, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे चचा और बाबा की मौत की वजह उस्मान है, और मैं उससे और जिन्होंने उन्हें मारा है इंतकाम लूंगा। मुझसे वादा करें बारकन, आप मेरे बाबा और चचा का इंतकाम लेंगे। वादा करता हूं, मैं उनका इंतकाम लेने से पहले नहीं मरूंगा, लेकिन मैं इवाज साहब के कबीले को सरदार के बगैर नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे बाबा की ख्वाहिश थी कि मैं सरदार बनूं, मैं बनूंगा, वादा है। कजल कबीला जिरके में हकीकत देखेगा। सल्वी, चलो। और फिर हम उसके बाद शादी कर लेंगे। सल्वी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं अभी अपने बाबा को दफना के आई हूँ और आप मुझसे शादी की बात कर रहे हैं? तुम्हारे बाबा यही चाहते थे सल्वी। जब तक तुमसे मेरी शादी नहीं होगी, सरदारान मुझे संजीदगी से नहीं लेंगे। तुम्हारे बाबा का मातम करने के बाद हम शादी कर लेंगे सल्वी, और हम लोगों की एक शानदार दावत करेंगे। मैं इवाज साहब का मकरूज हूं। आंखें खोल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। बाबा, बाबा, अल्लाह तेरा शुक्र है। माशाल्लाह, मेरे शेख होश में आ रहे हैं। माशाल्लाह, आप ठीक हो जाएंगे मेरे शेख। आपका शुक्रिया इब्राहिम फकी। आपने हमारी बहुत मदद की, शुक्रिया आपका। आपकी वजह से मेरे शेख होश में आ गए। मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं? हुक्म करें। हमारा घर अब आपका घर है इब्राहिम फकी। अब तो हम आपके मकरूज हो गए हैं। इस्तग़फ़िरुल्लाह, मैंने कुछ नहीं किया। अब चलता हूं मैं, दोबारा आऊंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। जहरा, कॉर्नेलिया, तुम दोनों वापस कबीले जाओ। तुम दोनों जाओ, मैं बाला खातून के साथ ही रहूंगी। बेटी, मैं बारकिन की निगरानी कर रहा था, आज उसे सोने से भरे दो संदूक मिले। वो मिले कहां से? हम नहीं जानते हुजूर, किसी ने उन्हें पहले ही गिरा दिया था। वो संदूक जिसने भी उसे दिए हैं, वही हुक्म भी दे रहा है उसे। मस्जिद नजर रखो उसमें। जो हुक्म हुजूर।